नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्निकल दुनिया में टेक्निकल से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो इस चैनल पे अपलोड की जाती है, तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन जो भी वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। चलिए तो आज हम बात करते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और वीडियोस में देख के उनको माइंड में आता होगा कि YouTube से पैसा कैसे कमाते हैं, तो चलिए मैं आपको आज शुरू से लेकर अंत तक पैसा कमाने तक का प्रोसीजर बताऊंगा और आपको ये जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा टिप्स और कौन सा चीज़ें अपनाना होता है पैसे कमाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं YouTube की। तो YouTube पे चैनल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी के बारे में आप जानते होंगे, इसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा हम अपने चैनल पे, बाकी जो भी अगर नहीं जानते हैं, कई लोग नए भी होते हैं जो जिसको जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए एक वीडियोस बनाऊंगा कि पहले अपना ईमेल आईडी क्रिएट करना होता है। ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको क्या होता है कि ईमेल आईडी के माध्यम से ही आप यूट्यूब के एप्लीकेशन पर जाकर आपको यूट्यूब का एक चैनल क्रिएट करना होता है। जब आप YouTube का चैनल क्रिएट कर लेते हैं तो YouTube का चैनल क्रिएट करने के बाद आपको वहाँ पे उसका लोगो लगाया जाता है, कस्टमाइज जो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम शुरू करते हैं उस पर वीडियोज़ अपलोड करना। वीडियो अपलोड करना, हाउ टू अपलोड द वीडियोज ऑन YouTube, इसका मैं वीडियोज़ आप सभी के बीच में बना चुका हूं और आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि वीडियोस को कैसे अपलोड किया जाता है। इसके बाद अगर आप ये जान जाते हैं कि वीडियोस अपलोड करना यूट्यूब पे जान गए, तो यूट्यूब पर जब आप वीडियो अपलोड करना जान गए और उसको पब्लिश करना जान गए तो आपका काम अब शुरू हो गया है आपको यूट्यूब पे काम करने का। तो आप जैसे जैसे वीडियोज डालते हैं, वीडियोज में बहुत सारी चीजें होती है जिसको कि मद्देनजर उसको ध्यान देना पड़ता है ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि इसकी बहुत रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है और बहुत सारे इसमें इश्यूज आते हैं, जैसे कॉपीराइट का इशूज आता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का आता है, कि बहुत सारे रूल्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बारे में भी वीडियो बनाया हूँ अपने चैनल पे, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारा गाइडलाइन होता है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्ट रूल होता है जो YouTube के तरफ से होता है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप इनका कंटेंट यूज नहीं कर सकते हैं, उनका कंटेंट यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है YouTube की, जिसको कि आपको फॉलो करके ही आगे काम को प्रोसीड यानी फर्दर जो प्रोसीड होता है उसको करना पड़ता है। इसके बाद आप जब वीडियोज अपलोड करने लगते हैं तो आपको उसके व्यूज कैसे गेन किया जाए, व्यूज गेन करने के लिए आप टाइटल देते हैं, आप टेक्स्ट देते हैं, आप डिस्क्रिप्शंस देते हैं, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप वीडियोस बनाते हैं, वैसा करना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वैसा जब काम करना शुरू कर देते हैं तो माइलस्टोन होता है जिसको आपको अचीव करने होता है, जिसके बाद ही आप अपने YouTube के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। तो उनका जो क्राइटेरिया जिन्होंने YouTube 2017 में उन्होंने डिसाइड किया था और नया क्राइटेरिया आप लोगों के यूट्यूबर के बीच रखा था, जो नए यूट्यूबर होंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया था मोनेटाइजेशन का वो रखा था, तो वो था आपका कि 1K यानी कि 1000 यानी कि 1000 आपके चैनल पे सब्सक्राइबर होना चाहिए, 1000 यानी कि 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे होना चाहिए। इसके बाद आपको 4000 यानी कि 4000 वॉचिंग आवर्स यानी 4000 घंटा आपके वीडियोस पर लोग देखने वाले आ चुके हों। जैसे कि मान लीजिए मैं वीडियो करता हूँ अपलोड, मान लीजिए मैं 5 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ तो 5 मिनट के वीडियो से मान लीजिए 100 व्यूअर आ गए। अगर पूरे वीडियोस को देखते हैं 5-5 मिनट के तो 100 व्यूअर्स हो गए, तो 100 × 5 यानी कि 500 वॉचिंग मिनट्स हो गया ये, तो आपको घंटे में कंप्लीट करना है यानी 4000 घंटा। ये जो होगी आप जितना भी वीडियोस अपलोड करेंगे, जितना भी आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उस सारे वीडियोस के जो व्यूज हैं और व्यूज में आपके पर्टिकुलर वीडियोस पे कितने लोग कितना टाइम तक स्पेंड किए हैं और कितने टाइम तक आपके वीडियो को देखे हैं वो यूट्यूब उसको ध्यान देता है, और वही जो होता है वो आपको यूट्यूब जो वॉचिंग आवर्स है उसमें कैलकुलेट होता है। तो पहला जो क्राइटेरिया होता है कि आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना होता है, जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको यूट्यूब पे बनाना पड़ता है चैनल, यूट्यूब पे चैनल बनाने के बाद आप वीडियोस डालना शुरू करते हैं। वीडियोस डालने के समय बहुत सारी आपको सावधानियां बरतनी पड़ती है, उसकी वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल दिया हूँ आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप बात आती है कि आप जब करने लगते हैं काम, आपके चैनल पे व्यूअर्स आने लगते हैं, सब्सक्राइबर आने लगते हैं, तो होता क्या है कि जब आपका 1000 कंप्लीट हो जाता है एंड 4000 वॉचिंग आवर्स जब आप कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक ऑप्शन वहाँ होता है मोनेटाइजेशन इनेबल करने का, जो कि आपको सेटिंग में जाता है, इस पर भी वीडियोज है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं।
इसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप क्राइटेरिया जो है उसको अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं हम, मोनेटाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि आप जब मोनेटाइजेशन आपका आपका यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेता है और उसको वेरीफाई कर देता है तो आपके चैनल पे ऐड आने लगता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट प्रचार आने लगता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम कोई वीडियोस देखते हैं तो उस पर बहुत सारी कंपनीज के ऐड आने लगते हैं, तो वही ऐड के लिए आपको 1000 जो है 4000 वॉचिंग आवर्स है वो करने के बाद आपको मोनेटाइजेशन जो है इनेबल करना पड़ता है ताकि वो जो ऐड है वो आपके वीडियोज पर भी आने लगे। तो ऐसा जब करते हैं इनेबल करते हैं तो इनेबल के समय हमें एडसेंस होता है एक अकाउंट, एडसेंस का अकाउंट होता है उस टाइम ही क्रिएट करते हैं जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जब यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन इनेबल करते हैं तो उस टाइम आपको पूरा एड्रेस इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका पिन कोड मांगेगा, वेरिफिकेशन मांगेगा और आपके जो आप जिसका नाम दे रहे हैं उनका आधार कार्ड या फिर जो गवर्नमेंट आईडीज है वो मांगता है। इसके बाद जब आप वो देते हैं तो उस समय आपको एक गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट जब करते हैं तो उस टाइम आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, तो जो आप जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब क्रिएट किया है उसी ईमेल आईडी को आप वहां पे दे सकते हैं एक गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करने के लिए। तो वहां से आप गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर देंगे। इसके बाद आपको एक 12 या 24 घंटे के बाद आपका नोटिफिकेशन आ गया कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है वो आपका बन के तैयार हो गया है। जब गूगल एडसेंस अकाउंट बन जाता है तो आपका चैनल फिर रिव्यू में चला जाता है ऑटोमेटिकली। जब उसको करते हैं तो जो थर्ड प्रोसीजर होता है वो ऑटोमेटिकली रिव्यू में चला जाता है, जो कि यूट्यूब के पास आपका रिव्यू चला जाता है कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप हमारे चैनल को रिव्यू कीजिए और आप हमारे चैनल को एडवर्टाइजमेंट के योग्य बनाइए, एडवर्टाइजमेंट के लायक बनाइए। इसके बाद क्या होता है कि यूट्यूब के पास वो सारी चीज़ें चली जाती है, यूट्यूब रिव्यू करता है, मैनुअली रिव्यू करता है आपके वीडियोज, आपके कंटेंट, आपकी क्वालिटी अच्छी है तो यूट्यूब आपको कंग्रेचुलेट बोल लेता है, आपको एक मैसेज भेजता है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है और आज के बाद आप पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद ये सारा जो काम हो गया, इसके बाद आपको करना क्या होता है कि आप अपना रेगुलर काम करते रहिए, आप व्यूअर्स गेन कीजिए, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाइए, अच्छा बढ़िया वीडियोज डालिए। इसके बाद जब आप वो कर देते हैं तो आपका जो है पैसा आना शुरू हो जाता है। पैसा का प्रोसीजर क्या होता है कि जब आपका पैसा आना शुरू होता है तो आप सोचते होंगे कि हम इसको पैसा को कैसे निकालें, तो पैसा निकालने का भी एक लिमिट होता है। पहला नंबर होता है कि $10, इसके बाद $100, $100 के बाद आप जो है पैसा अपने अकाउंट में लेकर आ सकते हैं, आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। इसके बाद जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो आपको क्या होता है कि गूगल एडसेंस जो होता है उसका प्रोसीजर होता है कि मान लीजिए मैं मार्च महीने में 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो पैसा कमाया, जो यूट्यूब से जो हमारा 1 मार्च से 31 मार्च तक जो पैसा आया वो पैसा आपको अप्रैल महीने में 12 तारीख को गूगल एडसेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जो आपने पैसा कमाया मार्च महीने में वो पैसा आपको गूगल एडसेंस में, जो आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया था उसमें आपको 12 अप्रैल को चला जाएगा। और 12 अप्रैल का जो प्रोसीजर होता है और 12 अप्रैल के बाद अगर आपका $100 हो गया, मान लीजिए मैंने मार्च महीने में $100 से ज़्यादा पैसा कमाया, तो आपको 12 मार्च में गूगल एडसेंस में वो $100 चला जाएगा और वो गूगल एडसेंस जो है 12 तारीख को वो आपको 21 तारीख को, उसी महीने के 21 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा पैसा, अगर $100 आपका मिनिमम होता है। इसके बीच में क्या होता है कि आपका जब $10 हो जाता है, अब जब गूगल एडसेंस में $10 चला जाता है तो आपको एक वेरिफिकेशन पिन आता है, जो कि गूगल आपको भेजता है, जो आप गूगल एडसेंस क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम जो आप एड्रेस दिए होते हैं, जो नाम दिए होते हैं उसी पता पे, उसी एड्रेस पे आपको वो सेंड करता है गूगल पिन। वो गूगल पिन आपके आपके जो नजदीकी जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसमें जाता है। इसके बाद होता क्या है कि आप उस पिन को यहां पे डाल देते हैं, यहां पे जब डाल देते हैं तो आपको अब कुछ नहीं करना है, आपका सारा गूगल एडसेंस का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बात आती है पैसे की बात आती है तो आपका अगर गूगल एडसेंस में पैसा $100 मिनिमम चला गया है तो अब आपको क्या करना है कि आपके एडसेंस में चेक करना है कि मेरे एडसेंस में $100 आया कि नहीं आया। अगर आपका $100 आ गया तो वहां पे आपका
अकाउंट डालना होता है, गूगल एडसेंस में ही अकाउंट का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको डालना होता है। तो आप अपने वहां पे जो भी आपका अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट आईएफएससी कोड और जो बैंक अकाउंट नंबर है, आप उसको गूगल एडसेंस के उस अकाउंट जब ऐड कर रहे होंगे तो उस टाइम मेंशन कर दीजिए। वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों को, उस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो से आप देख सकते हैं। और होता क्या है कि जब आप क्रिएट करते हैं तो उस टाइम आपको आईएफएससी कोड और एक स्विफ्ट कोड होता है, स्विफ्ट कोड वहां पे बहुत नेसेसरी होता है और स्विफ्ट कोड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको आपके बीच चला जाएगा वो यूट्यूब चैनल पे हमारे टेक्निकल दुनिया पे, तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वहां पे जब आप स्विफ्ट कोड डालते हैं तो स्विफ्ट कोड पर्टिकुलर क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसीज जो आती है, लाइक जो भी हमारा यूट्यूब सब पैसा होता है वो फॉरेन कंट्री से आती है, तो फॉरेन कंट्री से जो पैसा होता है वो वायर के माध्यम से ट्रांसफर होता है आपके अकाउंट में, तो वायर ट्रांसफर के लिए आपको स्विफ्ट कोड देना होता है, जो कि काफी नेसेसरी होता है, उसके बिना आप यूट्यूब का पैसा ले ही नहीं सकते हैं। तो इसके बाद आपको फिर वहां पे आपको स्विफ्ट को डालना होता है, इसके बाद फिर आपका पैसा 21 मार्च को आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि गूगल एडसेंस ने आपको पैसा भेज दिया है। इसके बाद आपको 4 के 5 बिजनेस जो दिन होते हैं 21 तारीख के बाद, उसके बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारी प्रोसीजर है, आप यूट्यूबर पे काम करना चाहते हैं, यूट्यूब पर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं और आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये सारी प्रोसीजर है जो कि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक करनी होगी। बाकी मैं ऐसे वीडियोज आपको फिजिकली बनाऊंगा कि आपको एक पैसा कमाने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में मैं पूरा वीडियोस और लाइव डेमो के साथ में आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होगी उसके बारे में बताऊंगा। है ऐसे मैं माउथ टू माउथ ऐसी बताए कि आप ये सारी चीजें समझ जाएं कि आपको ऐसा 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 प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से हम यूट्यूब पे पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक थी। इसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या होता है, सिल्वर मेडल क्या होता है, गोल्ड मेडल क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो प्रोसीजर था पैसा कमाने का प्रोसीजर था, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो पैसा कमा सकते हैं। चलिए, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन और कोई जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं और इस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमें किस पे वीडियो बनाना है, ताकि मैं आपको वीडियोस आपको अच्छे तरीके से पेश कर सकूं। फिर से आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर जरूर जुड़ें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।